पीएम मोदी के आह्वान ने स्वच्छता को देश भर में एक जन आंदोलन बना दिया है। देश के कोने कोने में स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के गांवों और शहरों की तस्वीर बदली है और एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पूरा देश स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के पीछे खड़ा हो गया। पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान को नारों से निकालकर जमीन पर उतारा। नतीजा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक रहा। 23 सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 75% गाँव अब ODF प्लस हैं। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। राज्य के 95,767 गाँव ने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF प्लस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 सालों के अंदर जो ODF में काम किया है वो भी देश में सबसे आगे था और लगभग 2,60,00,000 टॉयलेट्स बनाए हैं, व्यक्तिगत शौचालय हम लोगों ने बनवाए हैं और करीब 58,000 सामुदायिक शौचालय बनाए। ये सभी 97,000 जो गांव हैं, 57,700 ग्राम पंचायतों के अधीन, उन्होंने एक स्टेज का काम कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसी तरह सभी लोग ODF प्लस के किसी न किसी कैटेगरी में आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% ODF प्लस गांव का लक्ष्य हासिल किया है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को जो उड़ान मिली, भारत की जनता ने ही यह उड़ान उसे दी है। उन्हीं की देन है कि आज हर गांव और शहर को स्वच्छ रखने की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है। शौचालयों के निर्माण से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। पहले समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। मोदी सरकार के आने के बाद समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजना तैयार की गई। तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को लेकर बड़े आग्रही हैं। 1 अक्टूबर को हम सभी को 1 घंटा इस अभियान में लगाना है। 1 घंटा, 1 दिन, वस्तुतः पूरे देश को स्वच्छ रखना हम सभी का धर्म है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य सबसे बड़ा नियम है और अहिंसा उसका कर्म है, और इसके माध्यम से हम अपने ध्येय को पूरा करें, जिसमें एक ध्येय स्वच्छ भारत का भी है। स्वच्छता अभियान के 9 वर्ष स्वच्छता पर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पहले गांव में शौचालय के लिए लोग बाहर जाते थे। मोदी सरकार के जागरूक अभियान से गांव में लोगों में जो जागरूकता आई है, उससे लोगों के विचारों में भी बदलाव आया है। गांधी जी की स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंख दे दिया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि स्वच्छता कितना जरूरी है। लोग जागरूक हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे का कहना है कि स्वच्छता पर भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आ रहा है। 9 वर्ष पूरे कर रहा है और यह गौरव की बात है। यह गौरवपूर्ण तरीके से, गर्व से हम कह सकते हैं कि आज बड़े स्तर पर जब प्रधानमंत्री जी ने सपने को देखा तो भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आकर के एक अपने समूचे योगदान से हम यह देखते हैं कि यह बड़े स्तर पर इस कार्य को संपादित करता है। स्वच्छता अभियान से न केवल आसपास का परिवेश सुंदर और स्वच्छ रखने में मदद मिली है, बल्कि स्वच्छता के इस अभियान से आए दिन बीमारी के कारण होने वाले खर्च में भी कटौती हुई है। कहते भी हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए खजाना होता है। ऐसे में खुद के गांव को तीर्थ मानकर उसे साफ सुथरा रखना होगा, तभी हमारा यह स्वच्छता अभियान
सफल हो पाएगा। इस अभियान का उद्देश्य भी स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ने स्वच्छता को देश भर में एक जन आंदोलन बना दिया। देश के कोने कोने में स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। स्वच्छता को लेकर सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के गांवों और शहरों की तस्वीर बदली है और एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। देशवासियों को 1 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने एक कैंपेन वीडियो भी जारी किया है, देखिए। 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। 9 साल पहले इसी दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। जिसे कदम से कदम जोड़कर सबने बनाया एक जन आंदोलन और स्वच्छता बना राष्ट्रीय स्वभाव। इसी कड़ी में आइए इस वर्ष पूज्य महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि देते हैं। 1 अक्टूबर को 1:07 सुबह 10 बजे कम से कम 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। तो चलिए एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को, पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक, मिलकर सार्वजनिक जगहों को और सुंदर बनाते हैं, अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं, कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए swachhatahiseva.com पर जाएं और #स्वच्छभारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। स्वच्छ भारत मिशन के क्रम में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 चल रहा है। अभियान को गति देने के क्रम में दिल्ली छावनी परिषद द्वारा आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण पहले यहां पर की गई हैं। आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली छावनी परिषद द्वारा स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया। स्वच्छता के इस महाअभियान में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आई विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि स्वच्छता आदिकाल से हमारे देश के संस्कार और संस्कृति में है। उन्होंने दिल्ली कैंट के निवासियों से ऑर्गेनिक कूड़े के सदुपयोग पर जोर देते हुए वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरा से कंचन की नीति पर अमल करने की अपील की। लगातार हमारा जो स्वच्छ भारत का जब आकलन होता है तो हमारा उसमें अच्छा रैंक आता है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने बहुत मेहनत की है, प्रयास किया है और मुझे याद है 2014 से जब से हम चुनकर आए लगातार जो है बेहतरी की ओर हमारे कदम बढ़ते रहे हैं। कार्यक्रम में रक्षा संपदा नई दिल्ली के महानिदेशक GS राजेश्वरन ने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि ये आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने में मददगार है। स्वच्छता न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए भी अति आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आस पड़ोस को स्वच्छ और हरित बनाए। इस दौरान JCO दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि दिल्ली कैंट हमेशा से स्वच्छता के मानदंडों पर खरा उतरा है। हमें देश को ई गार्बेज फ्री बनाना है। आर्मी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी अनेक उपकरण चला के इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दिल्ली कैंट स्वच्छता के आदर्शों का पालन सिर्फ कुछ निर्धारित दिनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साल करता है। हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर दिल्ली कैंट में भी गार्बेज फ्री इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दिल्ली कैंट में स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने नाट्य प्रदर्शन के जरिए कलात्मक संदेश देकर लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में एक ओर जहां विदेश राज्य मंत्री ने नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान को गति देने की अपील की, वहीं दूसरी ओर कचरे से कंचन बनाने के लिए कचरे से युक्त वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर आर्थिक लाभ कमाने के नुस्खे भी बताए। मेरे सहयोगी कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं ओपी यादव, DD News, दिल्ली।